नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से अपनी एक रचना भेज रही हूँ जिसका शीर्षक है महिमा तुलसी की। तुलसी जी नहीं कोई साधारण, तुलसी जी नहीं कोई साधारण, नहीं हरा भरा सा पौधा है। इसके बारे में क्या ही लिखूँ, औषधि का भंडार है, विष्णु भगवान का प्रतिरूप है ये। भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में भोजन बन जाते ही जब हम मंदिर में भोग लगाते हैं, जैसे ही तुलसी डालते हैं, भोजन प्रसाद बन जाता है। घर छप्पन भोग बनाया है और तुलसी पत्र नहीं डाला, तब वह छप्पन प्रकार का व्यंजन है। तुलसी के पड़ते ही वो व्यंजन अद्वितीय प्रसाद बन जाता है। हम तुलादान जब करते हैं सारे सामान के बाद भी उस पर तुलसी पत्र भी रखते हैं, तभी हमारा तुलादान समर्पण हो पाता है। अंतिम समय भी मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल डाला जाता है। अंतिम संस्कार में तुलसी की अति आवश्यकता होती है। तुलसी अगर अलग अलग रूप में औषधि के कामों में आती है, हमारी यही परंपरा है घर घर में तुलसी का पौधा हो। सिर्फ घर में तुलसी पौधे से नकारात्मक प्रभाव मिट जाते हैं। तुलसी एक साधारण पौधा नहीं, यह एक गुणों की खान है। सत सत नमन तुलसी माता को है, कोटि कोटि प्रणाम है। तुलसी माँ को हम वृंदा भी कहते, यह घर घर पूजी जाती है। तुलसी के बिना जीवन में अधूरा ही सब कुछ रह जाता है। तुलसी माता को सत सत प्रणाम करती हूँ मैं, कोटि कोटि प्रणाम है। हे तुलसी माता, सदा फलो फूलो सब घर में, यही मेरी चाहत है। धन्यवाद।